नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो कृपया कर पूरा देखिए क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तीन दोस्त है, 12th तक उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी। हमेशा साथ में रहते, साथ में खाते पीते, लेकिन तीनों की सोच अलग अलग थी। उनकी स्कूली शिक्षा पूरी हो गई थी, अब तीनों दोस्त आगे की शिक्षा के लिए कॉलेज गए। अब यहाँ पर वे आज़ाद थे, अपनी सोच के मुताबिक काम कर सकते थे। पहला दोस्त मनमोजी था, उसे सोशल मीडिया का बड़ा शौक था, साथ ही साथ वह अब थोड़ा खुला और आज़ादी महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसके कुछ ऐसे दोस्त बने जिनके साथ मिलकर वह नशीली चीज़ों का सेवन करने लगा। उसके माता पिता उसे जितने भी पैसे देते उनसे वह किताबें ना खरीद कर नशीली चीज़ें खरीदता, खुद भी पीता और यारों को भी पिलाता। सिगरेट गुटखा खाना उसके लिए आम बात थी। कभी कभार जब उस लड़की को पैसे नहीं मिलते तो वह छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था। एक दिन उसे पता चला कि भाई जुआ खेलने से एक व्यक्ति ढेर सारे पैसे जीत गया। तब उसने अपने माता पिता से कहा कि उसे कुछ पैसे चाहिए। इस पर माता पिता ने सोचा कि शायद बेटे को कोई विशेष पढ़ाई का काम होगा, उन्होंने पैसे दे दिए। वह लड़का पैसे पाकर बहुत खुश हुआ। पैसे लेकर वह जुआ खेलने गया और वहाँ सारा का सारा पैसा हार गया। उस लड़के का माता पिता जब ये बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुए। वे अंदर से टूट चुके थे क्योंकि जिसके सहारे उनका बुढ़ापा गुजरने वाला था वो उनके मुताबिक नहीं निकला। जब वह लड़का 25 की उम्र पार कर गया तब तक वह बेरोजगार ही बैठा था। घर वालों ने शादी कर दी, बाद में बच्चे और घर का सारा भार उस पर ही पड़ गया। माँ बाप के कमाए पैसे भी खत्म हो गए थे, कोई महंगी संपत्ति बची ही नहीं। अब वह लड़का छोटी सी नौकरी करने को तैयार हो जाता है और ऐसे ही नौकरी करते हुए 40 की उम्र का हो गया। उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे, अब उन्हें पढ़ाने के खर्चे ज़्यादा और कमाई का जरिया कम। ऊपर से उसके माता पिता बूढ़ा हो चले थे, उनकी दवाइयों का खर्च अलग था। वह किसी महंगे हॉस्पिटल में भी उन्हें नहीं ले जा सकता था क्योंकि इतने पैसे थे ही नहीं। और वह ऐसे ही समस्याओं के बीच वह पिसता जाता है और 60 की उम्र के बाद वह रिटायर हो जाता है और खुद भी बुजुर्ग हो गया। अब वह सोचता है कि यार पूरी जिंदगी उसने इतनी मेहनत करी, इतनी दौड़ भाग करी, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दूसरा लड़का था, वह कॉलेज के दिनों में कठिन मेहनत करता, दिन रात हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था। दोस्त कहते यार इतनी पढ़ाई भी क्या कर, लेकिन उस पर दोस्तों की बातों का कोई असर नहीं होता। वह लड़का पढ़ाई में इतना बिजी रहता था कि वह ना ही अपने परिवार को समय दे पाता और ना ही अपने दोस्तों को, हमेशा पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। वह फिजिकल एक्टिविटी से कोसों दूर रहता है। उसकी पढ़ाई के बदौलत वह अच्छी खासी जॉब तो पा लेता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बीमारी भी बढ़ती जाती है। और उसने जितने भी अपने जीवन में पैसे कमाए थे रिटायरमेंट के बाद सभी पैसे उसकी बीमारी पर ही खर्च हो जाते। अब उसके पास भी बहुत कुछ नहीं बचा था। पर जो तीसरा लड़का था वह कुछ अलग था। उसे पता था कि यदि उसने पढ़ाई कर जॉब या बिजनेस नहीं किया तो भविष्य में नुकसान उसे ही होगा। उसने कॉलेज के दिनों में पढ़ाई लिखाई भी करी और जब भी खाली समय मिलता तो वह कुछ वक्त दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पर बिताता और अपने परिवार के साथ अच्छा महसूस करता। उसे पता था कि वह कितने भी पैसे कमा ले, लेकिन यदि उसे कोई भी बड़ी बीमारी हो गई तो लंबे समय तक यह पैसे भी उसके काम नहीं आएंगे। इसलिए वह पूरे मन के साथ फिजिकल एक्टिविटी पूरे मन के साथ करता। वह लोगों से मुस्कुरा कर मिलता और बदले में लोग भी उससे मुस्कुरा कर मिलते। उसकी छवि हमेशा ही एक पॉजिटिव बनी रही। वह कभी कभी उन जगहों पर भी ट्रेवल करता था जहाँ पर वह कभी भी नहीं गया था, इससे उसे कुछ नया सीखने को मिलता। उसकी शादी पहले वह लड़का खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और बाद में बच्चों की शिक्षा के लिए भी उन्हें अच्छे स्कूल में भर्ती करवाता है। समय गुजरता जाता है, उसके फिजिकल एक्टिविटी करते रहने के कारण वह हमेशा ही एनर्जेटिक महसूस करता है और ट्रेवल करने के कारण वह कुछ न कुछ नया ज्ञान अर्जित करता है।
उसके पास अब अच्छा पैसा था, अच्छा स्वास्थ्य था, अच्छा परिवार था और अच्छे दोस्त थे। तो दोस्तों, यह हमें डिसाइड करना है कि हम कैसा बनना चाहते हैं। पहला लड़का जो कि सिर्फ मौज मस्ती में रह जाता है और बाद में पूरी जिंदगी भर उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या फिर दूसरा जो कि हद से ज़्यादा ही पढ़ाई लिखाई करता है और अपने परिवार और स्वास्थ्य पर ध्यान ना देकर धीरे धीरे इन्हें खोता जाता है और ढेर सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है, या फिर तीसरा लड़का जो कि समय के साथ मजे भी करता है और समय के साथ पढ़ाई लिखाई कर ज्ञान अर्जित करने के बाद खुद का बिजनेस या जॉब करता है। धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन चालू करें। थैंक यू।